हेलो गाइस, ऑप्टिकल बेसिस चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, बहुत दिनों में मैं वीडियो बना नहीं पाया, तो मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मेरा दुकान में बहुत सारा काम था, इसलिए बहुत दिन से वीडियो नहीं बना पाया। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि पॉलीकार्बोनेट लेंस, हार्डकोट लेंस और अनकोट लेंस, ये तीनों को जो फर्क रहता है वो मैं आज बताने वाला हूँ, और आप कैसे पहचाने ये तीनों लेंस को, और इसका काम क्या है, प्राइस कैसा है, तो सभी मैं आज इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, जो मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, आज आप लोगों को लग रहा है कि मैं आज ये व्हाइट वाला चश्मा क्यों पहन के वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं आज पहन के वीडियो बना रहा हूँ। तो कैसा लग रहा हूँ मैं, आप कमेंट में ज़रूर भी बताना आप। तो पहले मैं अनकोट लेंस के बारे में बता रहा हूँ। तो अनकोट लेंस क्या है, इसको अनकोट लेंस कैसे क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये लेंस के ऊपर कोई कोटिंग नहीं रहता, इसलिए इसको अनकोट लेंस बोलते हैं। तो अनकोट लेंस में पैचेस भी ज़्यादा आता है नॉर्मल जो हार्डकोट लेंस के हिसाब से, ये इसमें ज़्यादा पैचेस आता है, और इसका ऊपर जो पॉलिशिंग रहता है वो अच्छा नहीं रहता, ये प्राइस के हिसाब से सबसे कम रहता है। आप पहले आप मतलब देख सकते हो हार्डकोट लेंस और अनकोट लेंस, आपको समझ में आ जाएगा क्या कौन सा लेंस में कोटिंग है या कौन सा लेंस में कोटिंग नहीं है, ठीक है। तो अभी आते हैं हार्डकोट लेंस के बारे में। तो हार्डकोट लेंस क्या होता है, हार्डकोट लेंस के ऊपर एक हार्ड कोटिंग मतलब परत चढ़ा रहता है हार्ड वाला, तो इसको इसीलिए हार्ड कोटेड लेंस बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें स्क्रैचेस इतना ज़्यादा नहीं आता है, आप अच्छे से यूज़ भी कर सकते हो, और इसका जो लेंस होता है ये क्लीनिंग भी अच्छा मतलब होता है। अनकोट लेंस में क्या होता है, अनकोट लेंस में इतना अच्छे से क्लीनिंग नहीं होता है। हार्डकोट लेंस में आप अच्छे से मतलब एक क्लॉथ लेके आप अच्छे से क्लीन कर सकते हो, वो अच्छे से क्लीन भी होता है, लेकिन अनकोट लेंस में इतना अच्छे से क्लीन नहीं होता। और हार्डकोट लेंस अनकोट लेंस से थोड़ा प्राइस ज़्यादा होता है, और लेंस का क्वालिटी भी अच्छा है। ऐसा भी आते हैं पॉलीकार्बोनेट लेंस, इसको कोई भी बोलता है अनब्रेकेबल लेंस, ये टूटता नहीं है। ये लेंस मतलब आप गिराओगे तो टूटेगा नहीं, आप अगर ज़ोर से मारोगे लेंस के ऊपर फिर भी नहीं टूटेगा, लेकिन ये अनब्रेकेबल लेंस होता है। जो लोग रिमलेस यूज़ करते हैं, जो थ्री पीसीएस जो फ्रेम रहता है उनके वो फ्रेम के लिए ये सूटेबल है, जो लोग यूज़ करते हैं ना जो रिमलेस वाला, तो वो लोग ये लेंस यूज़ कर सकते हो, ये टूटेगा नहीं ये लेंस। और ये लेंस थोड़ा प्राइस में ज़्यादा होता है, और ये लेंस लाइट वेट मतलब हल्का भी रहता है, और लेकिन एक दिक्कत है, ये लेंस के ऊपर पैचेस थोड़ा ज़्यादा आता है नॉर्मल लेंस के हिसाब से। तीनों टाइप का लेंस मतलब अनकोट लेंस जो होता है वो प्राइस के हिसाब से जितना जितना बजट है वो वही ले सकते हो। थोड़ा बजट आप ज़्यादा लोगे तो आपको हार्डकोट लेंस मिल जाएगा, और आपको अगर रिमलेस यूज़ करना है तो आप पॉलीकार्बोनेट लेंस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों को अगर और कुछ जानना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और स्पेक्ट्रम के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट भी करिए। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।